गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मनीषा मैम हियर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आर्टिकल्स ए एंड द. ओके, स्लॉट 11 टू क्लास 5th. आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट का मतलब है, समझ जाइए आप, इट इज़ इट्स मीनिंग इज सर्टेन एंड इट्स मीनिंग इज नॉट सर्टेन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू डेफिनेट आर्टिकल. वॉट इज डेफिनेट आर्टिकल? आर्टिकल द. The is called definite article. We have example. I can show you first. I saw a tree in the garden. The tree had lost all its leaves. आप सोच रहे होगे यहाँ पे हमने अ क्यों यूज़ किया, यहाँ द क्यों यूज़ किया. फर्स्ट, वैन यू टॉक अबाउट एनी थिंग फर्स्ट टाइम, एनी पर्सन, एनी प्लेस, दैट टाइम दैट थिंग प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड इनडेफिनेट. वो चीज़ क्या कहलाती है? इनडेफिनेट. इनडेफिनिट चीज़ों के पहले हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं. वी यूज़ आर्टिकल अ बिफोर इनडेफिनिट पर्सन, इनडेफिनिट थिंग, इनडेफिनिट प्लेस. वी हैव टू यूज़ आर्टिकल अ. बट वैन वी अगेन स्पीक अबाउट द सेम थिंग विच वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, दैट टाइम इट हैज़ बिन डेफिनेट. वो है डेफिनेट हो चुका होता है. ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि पहले हमने लिखा आई सॉ अ ट्री इन द गार्डन, उसके बाद हमने बोला द ट्री हैड लॉस्ट ऑल इट्स लीव्स. ये द ट्री इसी ट्री के बारे में बात हो रही है कि जिस ट्री को हमने गार्डन में देखा था उस ट्री ने अपनी पूरी पत्तियों को खो चुका था. इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर रेफरिंग टू द विच वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. वही चीज़ कह रहा जो मैंने आपको अभी भी समझाई कि जब हम अगेन बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो चीज़ क्या होती है? पर्टिकुलर हो जाती है. वी आर स्पीकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस. हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस के बारे में बात करें जिसको हम ऑलरेडी मिल चुके हैं या जान चुके हैं. ठीक, I want to meet the student who knows Spanish. मैं उस स्टूडेंट से मिलना चाहती हूँ जो स्पेनिश जानता है. अब ये द स्टूडेंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैं इस स्टूडेंट से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ. ये मेरे लिए यहाँ पे एक डेफिनेट पर्सन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमने द लगाया. सो बिफोर डेफिनेट पर्सन वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द. बिफोर डेफिनेट थिंग वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द. लाइक आई हैव बॉट द बुक रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस. मैंने बुक खरीद चुकी है जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई थी. We are speaking about famous buildings, ships, planes, trains or anything that is unique or one of a kind. For example, I visited the Qutub Minar when I went to Delhi. जो आपकी यूनिक चीज़ें हैं या फेमस बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनके पहले आपको क्या लगाने हैं? आर्टिकल द. द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट द सिटी. अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्या है? हाई है, उनकी एक हाई पोस्ट है, एक यूनिक पोस्ट है, इसलिए आप उनके पहले क्या लगाओगे? द. The Statue of Liberty can be found in the USA. Okay? I hope you would have got these all the examples and article the which is called definite article. Thank you.